हे गाइस नमस्ते कैम छो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडीपी व्लॉग्स। तो आज के वीडियो में हम लोग आए हैं केटीएम के लॉन्चिंग में। तो आज ड्यूक 125 और एडवेंचर 250 लॉन्च होने वाली है। मैं यहाँ पे गांधीनगर शोरूम पे आया हूँ केटीएम के। तो अभी थोड़ी ही देर में लॉन्च इवेंट स्टार्ट होगा। तो आज के वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। जो केटीएम लवर्स है उनके लिए दो और नए मॉडल केटीएम लॉन्च कर रहा है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों। अगर हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। सीसी में आपको दो कलर अवेलेबल, एक हमारा ये ऑरेंज और वाइट कलर वाला है वो है, और दूसरा हमारा ये वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है वो कलर है। तो आपको इसमें दो कलर कंपनी ऑफर कर रही है। तो अगर मैं फ्यूल टैंक की बात करूँ तो 9.5 लीटर का फ्यूल टैंक है। तो फ्यूल टैंक काफ़ी इसमें छोटा दिया है, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको पहले के जो KTMs आते थे उसी तरह का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसमें कंपनी सिंगल चैनल ABS ऑफर कर रही है। तो आपको खाली आगे के टायर में ही ABS देखने को मिलेगा, रियर में आपको ABS नहीं मिलने वाला है। तो सिंगल चैनल ABS है इसमें Bosch कंपनी के।
तो आपको मेन हेडलैम्प एलईडी देखने को मिलेगा। जो पहले हमारे ड्यूक आते थे उसमें ऐसा नहीं आता था, तो जो ड्यूक 250 में आता था उसी तरह का आगे का फ्रंट लुक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो आगे, तो अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो आगे और पीछे दोनों में आपको 17 इंच के ही मिलने वाले हैं। तो ट्यूबलेस टायर कंपनी ऑफर कर रही है इसमें, और अपसाइड डाउन फोक सस्पेंशन, और यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर। कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है बाइक का, तो बाइक का कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि KTM की हर एक बाइक में पावर और पिकअप बहुत भर भर के दिया होता है, तो बेस्ट है। अभी टेस्ट राइड वगैरह अवेलेबल नहीं है, जब टेस्ट राइड वगैरह अवेलेबल हो जाएगी तो मैं उसी का भी आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा। तो अगर मैं टेल लैम्प्स की बात करूँ तो एलईडी टेल लैम्प्स, तो यहाँ पे LED साइड लाइट इंडिकेशन, यहाँ पे पीछे का टायर, बड़ा चेंज यहाँ पे है कि आपको जो ये पहले ये फाइबर का फ्यूल टैंक आता था तो अभी इसमें आपको मेटल का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, और साथ में क्लच वगैरह में काफ़ी यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो आपको इसमें सिंगल सिलेंडर 125 cc का इंजन मिलेगा, तो पावर आउटपुट फिगर आपको स्क्रीन पर भी आ रही होगी। तो सबसे बड़ा चेंजेस यहाँ पे चेसी में देखने को मिल रहा है, तो डबल चेसी आपको मिलेगी, जो पहले सिंगल चेसी मिल रही थी, तो आपको जो वाइब्रेशन वगैरह फील होते थे वो भी इसमें नहीं होते। तो अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो ड्यूक 125 आपको 172,000 में पड़ेगा, ऑन रोड प्राइस है, RTO इंश्योरेंस सब कुछ इंक्लूडिंग आ गया, तो बाइक काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो KTM लवर्स के लिए काफ़ी अच्छा मिनी पैक है, तो इसको बेबी ड्यूक भी आप बोल सकते हो। तो बाइक काफ़ी लेंथ वाइज KTM के बाइक बहुत ही छोटे होते हैं, आप देखिए इसका लेंथ उतना नहीं होता है जितना नॉर्मल बाइक्स का होता है। और यहाँ पे रियर सस्पेंशन, तो क्वालिटी वाइज आपको नहीं देखना पड़ेगा बाइक में, तो जो ये ड्यूक 250 आता था उसी तरह का अभी ड्यूक 125 को भी बना दिया है। कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, ऑरेंज एंड वाइट, तो कोटिंग्स वगैरह काफ़ी अच्छे, सीट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, और साइड लाइट, तो साइड मिरर। तो यहाँ पे जो गार्ड आता था वो 125 में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर मैं हैंडल बार की बात करूँ तो एज इट इज़ है हैंडल बार, इस तरफ आपको एक हॉर्न का स्विच, साइड लाइट इंडिकेशन, हाई बीम लो बीम करने के लिए, और इस तरफ आपको एक इंजन किल स्विच और साथ में सेल्फ स्टार्ट का बटन देखने को मिलेगा। तो KTM की कोई भी बाइक में आपको किक नहीं मिलने वाला है, तो किक स्टार्ट इसमें भी नहीं मिलेगा। बाकी ओवरऑल बाइक काफ़ी अच्छी है। तो अभी आ जाते हैं KTM पे, तो KTM 250 एडवेंचर। तो फ्रंट लुक यहाँ पे आपको LED देखने को मिलेगा, और साथ में विंडशील, थोड़ा छोटा विंडशील है लेकिन काफ़ी अच्छा रहेगा, विंड ब्लास्ट वगैरह नहीं लगेगा जब राइड करते हैं तब। और यहाँ पे फ्रंट सस्पेंशन, इसमें भी आपको अपसाइड डाउन फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिलेगा, ये रिफ्लेक्टर, और साथ में आपको 19 इंच के ट्यूबलेस टायर कंपनी इसमें ऑफर कर रही है, तो आपको इसमें ट्यूबलेस टायर मिलने वाले, तो ये अलॉय व्हील्स के साथ मिलेगी। और अगर ब्रेक्स की बात करें हम तो इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS मिलेगा बॉश कंपनी की तरफ से, तो यहाँ पर भी आपको एक रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा। तो 19 इंच के आपको इसमें ट्यूबलेस टायर कंपनी ऑफर कर रही है, तो ग्रिप्स वगैरह काफ़ी अच्छा मिलेगा, आप देख सकते हो कि टायर्स वगैरह काफ़ी अच्छी पैटर्न वाले हैं। और ये साइड लाइट, ये फ्यूल टैंक, तो 13.5 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक है, तो ये थोड़ा मैट कलर है, तो ये
एडवेंचर 250 आपको दो कलर में मिलेगी। तो एक कलर है हमारे सामने। तो अगर मैं इंजन की बात करूँ तो 250 सीसी का आपको इसमें लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर का इंजन देखने को मिलेगा। और पावर आउटपुट फिगर आपको स्क्रीन पे अभी दिख रही होगी। और यहाँ पे फुट पैक, रियर फुट पैक, साड़ी गार्ड, यहाँ पर भी आपको KTM का बेंचमार्क देखने को मिलेगा। तो टेल लैंप्स भी आपको इसमें LED देखने को मिलेंगे। साइड लाइट इंडिकेशन भी LED में देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा बैक लुक है। तो अगर मैं पीछे के टायर्स की बात करूँ तो 17 इंच के आपको ट्यूबलेस टायर कंपनी ऑफर कर रही है इसमें। ड्यूल चैनल ABS के साथ मिलेगा आपको बाइक। और एग्जॉस्ट सिस्टम, तो एग्जॉस्ट सिस्टम उतना खास नहीं है KTM में, बाकी बढ़िया है। तो यहाँ पे ब्रेक्स वगैरह, कैलिपर के लिए ऑयल्स, ये हमारा रियर सस्पेंशन। तो यहाँ पे आपको एडवेंचर का बेंचमार्क देखने को मिलेगा। तो ये बहुत रफ फिनिशिंग में है, बाकी ये ग्लोसी फिनिशिंग में है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे एक आपको मोबाइल चार्जर भी मिलेगा 12 वोल्ट का। तो अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हो तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर भी आप बहुत सारी मल्टीपल इंफॉर्मेशन देख सकते हो, जैसे इंजन चेक लाइट, ABS, न्यूट्रल, लो फ्यूल इंडिकेशन, इंजन चेक लाइट, टाइम, स्पीड वगैरह आप यहीं से देख सकते हो। तो 390 जितना अट्रैक्टिव नहीं है ये डिस्प्ले, लेकिन काफ़ी अच्छा है, डिजिटल तो मिल रहा है हमको। और अगर मैं हैंडल बार की बात करूँ तो काफ़ी वाइड हैंडल बार है, तो लॉन्ग राइड में काफ़ी इजी रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक एंजल किल स्विच, एक सेल्फ स्टार्ट का बटन, और यहाँ पे आपको हॉर्न का स्विच, साइड लाइट इंडिकेशन, हाई बीम लो बीम करने के लिए। तो क्लच वगैरह काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हाइट वगैरह सेम है 390 और इसका। बाइक काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल तो अभी टेस्ट राइड अवेलेबल नहीं है, तो जब भी टेस्ट राइड अवेलेबल होगा तो आपको टेस्ट राइड का भी मैं वीडियो कर दूंगा। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते रहेंगे इसी तरह के नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।